वन व्हील मोटरसाइकिल चैलेंज। ये कहानी कुछ साल पहले की थी। देवनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में गोपन्ना करके एक आदमी था। गोपन्ना एक कारपेंटर था और वह अपने पत्नी शीतल और बेटा अनिल के साथ रहता था। अनिल एक बेकार और निकम्मा आदमी था। वह जब भी देखो अपने बाइक पे घूमता था और अपने दोस्तों के साथ जुआ और दारू पीता था। सुनो जी, हमारा बेटा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। रोज दारू पीकर बाइक भी चला रहा है। अगर मैं पैसे नहीं दूं, तो घर से कुछ न कुछ ले जाकर उसे बेचकर जुआ खेल रहा है। शीतल, जाने दो, वह छोटा बच्चा है। मुझे वह कॉलेज जाने के लिए पैसा पूछ रहा है और वह उन्हीं पैसों से शराब पी रहा है। अगर ऊपर वाले ने दया की, उसमें जरूर बदलाव आएगा और वो भी अपने जिंदगी का जिम्मेदारी समझ जाएगा। एक दिन शीतल खाना पकाते पकाते चक्कर आकर नीचे गिर गई। तुरंत उसको एम्बुलेंस में अस्पताल लेके जाते हैं। डॉक्टर शीतल को जांच करके ऐसे बोले, गोपन्ना देख लो, अपने बीवी को जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना है, नहीं तो इसकी जान को ही खतरा है। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर जी? कम से कम 5 लाख होंगे, लेकिन जो कुछ भी करना है जल्दी करो, बाद में पछता कर कुछ नहीं होगा। जब शीतल और गोपन्ना घर आए, तभी अनिल ने बोला, अरे बापू, माँ की ऑपरेशन बाद में कर सकते हो, पहले मुझे पैसे चाहिए। मेरे दोस्त मेरे इंतजार कर रहे हैं। अरे नालायक, अपनी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी तुमको जाकर ऐश करना है क्या? वैसे भी अम्मी की टाइम हो चुकी है बापू, कुछ फायदा नहीं है। ऐसा अनिल दोस्तों के साथ दारू पीने के लिए चला गया। आते वक्त दारू के नशे में उसके बाइक को एक दीवार से टकरा देता है। एक्सीडेंट में उसकी बाइक दो हिस्से में टूट जाता है। उन सारे टुकड़ों को ऑटो में लेकर घर जाता है। अरे ये क्या है बेटा, तुम्हारा बाइक दो टुकड़े हो गए हैं, अभी इसको ठीक कैसे करेंगे? मुझे कुछ नहीं पता बापू, मुझे बाइक चाहिए बस, इसे जल्दी ठीक करवाओ। बेटा जरा समझो, अभी तुम्हारा अम्मी की ऑपरेशन भी करवाना है ना? अरे मैं क्यों समझूं? हट, मैं इस घर में अब नहीं रहने वाला। नालायक बाप और बीमार अम्मी, मैं निकल रहा हूँ, गुड बाय। ऐसा अनिल घर से बाहर चला जाता है। तभी एक आदमी ऑटो में ऐलान करता हुआ उसके घर के सामने से गुजरता है। गांव वालों सुनो सुनो सुनो, कल गांव में एक ग्रेट बाइक चैलेंज का आयोजन किया गया है। जो भी भाग लेकर जीतेगा उसको 10 लाख की इनाम मिलेगा। आइए आइए, भाग लीजिए ग्रेट बाइक चैलेंज। जब ये बात गोपन्ना ने सुना, तुरंत उस टूटी हुई बाइक को लेकर एक सुंदर एक पहिए वाला बाइक में बदल देता है और उसी को लेकर बाइक रेस में भाग लेने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है। जब रेस शुरू हुआ, गोपन्ना एक ही झटके में रेस जीत जाता है। सभी लोग गोपन्ना का एक पहिए वाला बाइक को देखकर दंग रह जाते हैं। जो पैसे उसने रेस में जीता, उसको लेकर अपनी पत्नी का ऑपरेशन भी करवा देता है और बाकी के पैसों से आराम से जीने लगा। गरीब और बारिश का कहर। सुधा अपने भाई गोविंद के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। दोनों भाई बहन पढ़ने में बहुत होशियार थे। उनके माता पिता मजदूरी का काम करते थे। माँ, हम स्कूल से आ गए। जानती हो आज हमें अध्यापिका ने क्या सिखाया है? क्या सिखाया बेटी? माँ जानती हो, शहरों में गांव में पानी की बहुत दिक्कत होती है। हमें हमेशा पानी को उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी हमें जरूरत हो। हाँ दीदी, हमारे सर ने भी हमें यही सिखाया है। तो ठीक है गोविंद, हम इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे और बाकी लोगों को भी बताएंगे। हाँ दीदी। दोनों होशियार बच्चे अगर किसी को पानी बर्बाद करते हुए देखते तो उसे जरूर टोकते। अरे राजू क्या कर रहा है,
आधी बोतल पानी पीकर आधा पानी यूं ही जमीन पर बिखेर दिया। इससे अच्छा किसी पौधे में डाल दिया होता। ये गलत बात है। अरे अरे सीमा, तुमने नलका क्यों बंद नहीं किया? वो देखो गोविंद, कितने सारे लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं। इन्हें पानी की कोई कदर नहीं। हाँ दीदी, मगर ये तो गलत है ना? हाँ भगवान, इन्हें माफ करना और इनको सद्बुद्धि देना। बेचारे दोनों बच्चे बच्चों को तो समझा लेते थे, लेकिन यही बात वो बड़ों को समझाने में असमर्थ थे। एक दिन उन्होंने अपने चाचा से कहा, चाचा जी आधा घंटा हो गया आपके नलके से पानी गिरता ही जा रहा है, ऐसा क्यों? अरे चुप कर छुटकी, तुझे क्या लेना देना मेरा पानी में जो मर्जी करूं। चाचा जी आप गलत कर रहे हैं, मैं छोटी हूँ इसीलिए आपने मुझे चुप करा दिया ना। बच्चे चुपचाप अपने घर लौट जाते हैं। एक रात को तेज तूफान आता है, बारिश होती है और बाढ़ के कारण कई घर तबाह हो जाते हैं। लेकिन इस तबाही में सुधा और गोविंद का घर बच जाता है। लेकिन पानी के बहाव के साथ एक छोटा सा संदूक उनके घर के अंदर चला आता है। जब वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर सोने चांदी और हीरो की अशर्फियां होती हैं। यह देखकर सारा घर हैरान रह जाता है। अजी देखो इतना सारा सोना, हे भगवान ये क्या, हमारी तो गरीबी दूर हो गई। सब लोग बहुत खुश होते हैं और वहीं सुधा के चाचा का घर पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। अरे हम तो बर्बाद हो गए सुधा की माँ, देखो मेरा घर कैसे टूट गया है। चाची आप लोग पानी की बर्बादी करते थे, आज पानी ने आपको बर्बाद कर दिया, इसीलिए कहते हैं पानी को भगवान समझना चाहिए। हाँ बेटी तूने तो बहुत समझाया, हम ही ना समझे, आज के बाद पानी की बर्बादी नहीं करूँगी। हे इंद्रदेव हम पर कृपा करो, हमें माफ करो। सुधा समझदार थी, उनका घर तो बच गया लेकिन बाकी सभी लोगों को पानी की बर्बादी ना करने की सीख मिल गई थी। आलमगढ़ गांव में सुरेंद्र नाम का एक मजदूर रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वो आलमगढ़ की पत्थर की खदानों में काम किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी मीरा थी। उसकी पत्नी राधा बहुत ही सुशील थी, वो घर का काम बड़े अच्छे से संभालती थी और उसकी बेटी मीरा पढ़ने में बहुत होशियार थी। मामा देखो देखो मैं फिर से अव्वल आई हूँ। शाबाश बेटा, हमें तुम पर बहुत गर्व है। हाँ राधा तुम सही कहती हो, हमारी जमा पूंजी तो हमारी ये बेटी मीरा है, हमें इस पे बहुत नाज है। सुरेंद्र और राधा का सपना था कि वो मीरा को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा इंसान बनाए। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन एक दिन खदान में एक दुर्घटना व सुरेंद्र के हाथों पर बड़ा पत्थर आ गिरा, जिस कारण सुरेंद्र के दोनों हाथ काटने पड़े। अब वो कोई काम नहीं कर सकता था, उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। राधा चिंतित हो जाती है कि अब उनका गुजर बसर कैसे चलेगा और मीरा के भविष्य का क्या होगा, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसे पूरी होगी। एक दिन जब मीरा अपने कॉलेज से वापस आती है तो अपनी माँ को चिंतित देखकर उससे पूछती है, माँ क्या हुआ, इतनी चिंता में क्यों बैठी हो? बेटा चिंता कैसे ना करूं, घर कैसे चलेगा, खाएंगे क्या, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, इन सबका तेरी पढ़ाई पर क्या असर होगा, हमारे सपनों का क्या होगा बेटी। कोई बात नहीं माँ, भगवान सब ठीक करेंगे। चलो माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। खाना खाते हुए मीरा को एक आइडिया आया, उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुम तो कितना अच्छा खाना बनाती हो, क्यों ना खाना बेचने का काम शुरू करो। हमारे कॉलेज के बाहर एक बूढ़ी औरत भी खाना बेचती थी, उसका काम बहुत अच्छा चलता था, शायद वो अब गांव चली गई है, पता नहीं आ नहीं रही आजकल। बात तो तेरी अच्छी है, बुरा आइडिया नहीं है। राधा को मीरा का आइडिया अच्छा लगता है और वो अगले ही दिन से ठेले पर कॉलेज के चौराहे पर खाना बेचना शुरू कर देती है। राधा के हाथ का बना स्वाद खाना खाकर सभी लोग खुश होते हैं, सभी लोग उसके खाने की तारीफ करते हैं। दिन पर दिन उसके ग्राहक बढ़ते जाते हैं। हॉस्पिटल से आने के बाद सुरेंद्र भी उसकी सहायता करता है। इस तरह से दोनों राधा और सुरेंद्र मेहनत करके अपनी बेटी को फिर से पढ़ाने लगते हैं। मीरा पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी सरकारी ऑफिसर बन जाती है। लेकिन राधा और सुरेंद्र सड़क पर खाना बेचना नहीं छोड़ते। एक दिन उन दोनों के ठेले के आगे एक सरकारी गाड़ी आकर खड़ी होती है। वो लोग हैरान हो जाते हैं।
उस गाड़ी में से उनकी बेटी मीरा उतरती है, जो कि एरिया की कलेक्टर बन चुकी थी। गाड़ी से उतरकर मीरा सबके सामने बिना शर्म के अपने माँ बाप के गले लग जाती है। यह देखकर वहाँ खड़े सभी लोग ताली बजाने लगते हैं और सुरेंद्र और राधा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो लोग बहुत खुश होते हैं। मीरा राधा से कहती है, माँ ये सफलता मेरी नहीं, ये आपकी सफलता है। मैं आज जो भी हूँ आपकी मेहनत की वजह से हूँ।